बिहार के डीजीपी एसके सिंघल अचानक आज पटना के दीघा थाना में पहुंच गए, जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गया। इस मौके पर डीजीपी एसके सिंघल के साथ एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, आईजी मुख्यालय गणेश कुमार सहित कई आला अधिकारी ने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी सिंघल सहित आला अधिकारियों ने काफी देर तक दीघा थाना प्रभारी के साथ बातचीत की। वही मीटिंग खत्म कर वापसी के दौरान डीजीपी ने बताया कि ये हम लोगों का औचक निरीक्षण है, जिसमें थानों द्वारा किए जा रहे कार्यों की पूरी जानकारी ली गई है। वहीं डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने कहा कि पटना में नए थानेदारों की पोस्टिंग हुई है, उन्हें भी हिदायत दी गई है। शिकायत मिलने पर थानेदारों पर भी कार्रवाई होगी। पटना जिला में रहना है तो पेंडिंग केसों का जल्द निपटारा करें। ठीक है, बोले पूछे सर, आज आपके द्वारा दीघा थाना का निरीक्षण किया गया। सर देखिए, हम लोग जो और जो हमारे मुख्यालय के अफसर आए हैं, तो आने के कई उद्देश्य हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमने अपने जो अफसरान हैं उनसे बहुत विस्तृत बातचीत की है कि किस तरह से थाने की फंक्शनिंग को अच्छे से अच्छा किया जाए। जो भी हमारे पेंडिंग मामले हैं, चाहे पेंडिंग केस हैं, पेंडिंग वारंट हैं, पेंडिंग कुर्की है, उनको किस तेजी के साथ निष्पादन किया जाए। जो जो हमारे अफसरों को दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो दिक्कतें थाने में रहने की हो या वो दिक्कतें जो हैं जब असामी को कोर्ट में लेकर जाते हैं तब वहाँ कुछ दिक्कतें फेस करते हैं, उन सारी दिक्कतों के बारे में विस्तृत चर्चा करके और क्या उसके हल निकाल सकते हैं, वो सारे हल जो हैं हम लोग निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैंने अपने अधीनस्थों को ये साफ साफ कहा है कि अगर वो पटना जिला में रहना चाहते हैं, उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं कर पाएंगे, उनको हम पटना जिला से हटा देंगे और जगह हमारे पास बहुत है उनको भेजने के लिए, चाहे वो अफसर है चाहे वो जवान है। पटना जिला मतलब दिन रात की मेहनत और बहुत ज़्यादा मेहनत, तो वो सबको मान के जो है वो काम करना है। एक और मुद्दा जो है वो खड़ा हुआ है, आज पहले भी खड़ा हुआ है, जो हमने और थानों में भी देखा था, मुद्दा वो ये है कि जितनी भी पेंडेंसी है हमारी, मतलब चाहे वो केस की पेंडेंसी है, चाहे वारंट की पेंडेंसी, चाहे कुर्की की पेंडेंसी, उस सब का जो मेन कारण है वो है गिरफ्तारी। तो आज गिरफ्तारी के लिए भी सबको टारगेट दिए गए हैं कि जो कांडों में मुदाले हैं, असामी हैं, उनको गिरफ्तार करना है और बहुत कम समय में अधिक से अधिक जो है वो गिरफ्तारी करनी। सर दिखा था ना मार्ग, क्या क्या चीज का जांच टारगेट होगा, कितने लोगों का, कितने, वो हमने आज पूरा डिटेल में आईओ को भी बुलाया है, उनसे हमने पूरी बात की है, हमने उनकी दिक्कतें भी समझी हैं और जो उनसे उम्मीदें हैं वो उनको साफ साफ बताया गया है। वो सब आईओ वार हम लोगों ने जो लंबित केसेस हैं उनके बारे में भी चर्चा की है और हर आईओ जितने मुदाले उसको पकड़ने उसकी सूची बनाएंगे, आज ही बनाएंगे, कुछ बनाई बनी हुई है कुछ आज बना लेंगे पूरी की पूरी, और उसके बाद लगातार मेहनत करके चाहे एक थाने को जोड़ेंगे, हो सकता है कि एक थाने में ज़्यादा लोगों को जोड़ के बनाएं या दो तीन थानों को जोड़ के एक काम कराएं, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो सबसे बड़ा काम जो है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, और उसके बाद जो है वो मेहनत की बात जो मैंने आपको बताई है वो। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।